हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आपने अभी अभी इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है, इसका मतलब ये है कि आपको भी अपने बचपन की यादों में फिर से जाना है दोस्तों। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने बचपन के कुछ बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे अच्छे सीरियल्स के बारे में दोस्तों, जिनसे हमारा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था दोस्तों। उसमें मोबाइल नहीं होते थे गेम खेलने के लिए, बस इनके ही हमारा सहारा होते थे और हम इनको रोज़ देखा करते थे दोस्त। तो आइए बात करते हैं नंबर 5 के सीरियल से, और इस सीरियल का नाम है दोस्तों विकराल और घबराल। जी हाँ दोस्तों, आपको तो याद ही होगा सब कुछ विकराल और घबराल के बारे में। घबराल की वो चटपटी हरकतें जिससे जिसको देख कर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, और विकराल नए नए भूतों को पकड़ रहा था और विकराल उनको कई बार छुड़ा भी देता था। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था दोस्तों इस सीरियल को देखने में। और अब आइए बात करते हैं हमारे अगले सीरियल के बारे में, और उसका नाम है सोन परी। जी हाँ दोस्तों, आपको याद ही होगा फ्रूटी, और हर लड़की उस टाइम फ्रूटी बनना चाहती थी, और अगर हमारे हम सोचते थे कि हमारे पास भी अगर वो क्रिस्टल आ जाता तो हम भी सोन परी को बुलाते और अपनी विशेष को पूरी कर लेते। वन ऑफ द बेस्ट सीरियल था उस टाइम का दोस्तों सोन परी। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सीरियल्स को, ये तो और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों कि ये वाला सीरियल तो हर किसी बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद आता था, और हम सब भी सोचते थे कि संजू की जादुई पेंसिल अगर हमको मिल जाती तो हम पता नहीं क्या क्या बना देते। बहुत ही अच्छा देखने में को था ये सीरियल दोस्तों, और हर बच्चे का फेवरेट सीरियल था ये। तो आइए बात करते हैं अब उस खतरनाक सीरियल की ओर, जिसको देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ा आता था, और उस सीरियल का नाम है दोस्तों हातिम। आपको याद ही होगा ये वाला दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। हातिम की तलवार आपको पता ही थी, और सात सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हातिम को कितनी ज़्यादा कठिनाई आई थी, और हम सोचते थे कि अगर हम हातिम होते तो हम क्या करते दोस्तों। बहुत ही अच्छा इंजॉय रहा है हातिम का साथ। और अगला सीरियल है दोस्तों शक्तिमान। शक्तिमान आप ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा कोई होगा जो इस सीरियल के बारे में नहीं जानता होगा। शक्तिमान ये वन ऑफ द बेस्ट 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 सीरियल था दोस्तों, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था शक्तिमान को देखने को। और जो कि सबसे लास्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा डरावना सीरियल फिर कोई है, और मैं इतनी गारंटी तो दे सकता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने अकेले तो ये कभी भी नहीं देखा होगा। अगर देख लिया होगा तो रात को आप अकेले में बाहर नहीं निकल सकते थे, इतना ज़्यादा डरावना होता था दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन दे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, ओके टाटा। अगर इस वीडियो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही तो दोस्तों मैं अगला पार्ट भी फिर से बनाऊंगा। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।